हेलो फ्रेंड्स, जानो और सीखो के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम जानेंगे एक बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी जिससे हम बम्पर प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, इंट्रा डे ही कमा सकते हैं और एक्सपायरी डे पे कमा सकते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसको हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो यहाँ प्लीज़ जाके सब्सक्राइब बटन दबाइए, और मोबाइल पर अगर आप देख रहे हैं तो भी सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सारे लेटेस्ट स्ट्रैटेजी वीडियोज़ मिलते रहें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर ये स्ट्रैटेजी क्या है। तो अब इस स्ट्रैटेजी को जानने के पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप थोड़ा एक बार देख लीजिए कि जो बैंक निफ्टी एक्सपायरी डे पे स्विंग्स आते हैं वो कैसे आते हैं। अभी मई 25 का आप ग्राफ देख रहे हैं चार्ट का, तो आप देखिए कि थर्सडे मई 25 को मार्केट जब खुला तो थोड़ा पॉजिटिव टेरिटरी में था। सो बैंक निफ्टी भी थोड़ा पॉइंट अप था, 22,600 के अराउंड होवर कर रहा था। फिर वहाँ से धीरे धीरे अराउंड जैसे ही एक बजे एक सडन मूव आया जो 22,700 के ऊपर एक ब्रेकआउट मिला, और उसके बाद से शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई जो इसको फाइनली 23,200 के ऊपर ले गई। तो ये जो देखिए लास्ट डे स्ट्रैटेजी है, इसी दिन एक्सपायरी होना था, जो इस डे का पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन थे आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन थे वो काफ़ी लो ट्रेड कर रहे थे, लेकिन इस सडन स्विंग जो आया इससे उनको फ़ायदा हुआ। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये उस दिन स्विंग आ रहा है स्ट्रैटेजी, उस दिन आपकी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल रहेगी कि नहीं जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हैं? तो इसको जानने के लिए आप चलिए देखते हैं उसी दिन का जिस दिन का मैंने आपको ग्राफ दिखाया। ये देखिए आपकी यहाँ पे लो 0.3 का बनाया है और इसने हाई बनाया है 224 का, तो ऑलमोस्ट 10,000% स्ट्रैटेजी, यानी आपने अगर 10,000 लगाया तो वो ऑलमोस्ट आपका 1 करोड़ रुपये हो गया। सोच लीजिए इतना रिटर्न्स आए हैं। तो अब इसको ट्रेड कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम इसको ग्राफ को देखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि एक्चुअली क्या होता है। बट उसके पहले आपको मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि कैसे आप इसको ट्रेड करेंगे। तो इसमें स्ट्रैटेजी में की क्या है कि आप सेकेंड हाफ में बाई करेंगे, आफ्टर 12 PM के अराउंड बाई करेंगे, आउट ऑफ द मनी पुट और कॉल बाई करेंगे, और बिल्कुल इमीडिएट स्ट्राइक प्राइस का ना बाई करके आप एक स्ट्राइक प्राइस के बाद का। अब जैसे देखिए 23,000 के अराउंड बैंक निफ्टी 23,000 के अराउंड था 22,600 के अराउंड था, तो हम 22,800 या 22 की जगह हम 23,000 का कॉल ले लेंगे, या मे बी 22,800 का कॉल ले लेंगे, मतलब इमीडिएट छोड़ के एक दो के बाद का लेंगे हम आउट ऑफ द मनी पुट और कॉल। फिर उसके बाद से हम एक अलर्ट प्राइस लगाएंगे कि सपोज़ जो भी करंट प्राइस चल रहा है उससे जैसे ही थोड़ा ऊपर आए, सपोज़ 1 रुपये अगर करंट प्राइस चल रहा है तो हम वेट करेंगे कि अगर वो 1 रुपये से बढ़ के 2-2.5 रुपये के अराउंड आता है तभी हम बाई करेंगे। अब इसका पर्पज़ क्या है कि थोड़ा ऊपर लगाते हैं। देखिए एक तो वो लास्ट डे है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो एक्सपायर कर जाने वाला है, वो कॉल नहीं होने वाला, तो आप उसको ख़रीद के अगर बैठ जाते हैं तो उसमें आपको बहुत हाई प्रॉबिलिटी है कि लॉस हो जाएगा क्योंकि वो एक्सपायर कर जाएगा। लेकिन अगर वो आपके जो करंट प्राइस है उस टाइम पे उसके थोड़ा ऊपर जाके आपका ट्रिगर अगर वो हिट होता है तो उसका मतलब है कि कुछ ट्रेंड की ज़्यादातर संभावना है, तो वो जो स्विंग है उसी को हम बुक करके प्रॉफिट को कमाएंगे। अभी हम लाइव चार्ट ये देखेंगे कैसे। अब आप देखिए कि एक्सपायरी का डे है ये चार्ट, और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 12:30 बजे तक ये जो ऑप्शन है ये 30 पैसे के अराउंड ट्रेड कर रहा था, और सडनली उसके बाद इसके पहले निफ्टी में थोड़ा स्विंग आया बट ये ऑलमोस्ट उतने पे ही 30 पैसे के लो के अराउंड 40 पैसे के अराउंड ट्रेड कर रहा था, और जैसे एक सडन मूव आया बैंक निफ्टी के चार्ट में उसके बाद से पहले स्टेप में गया अराउंड 2 रुपये तक, फिर उसके बाद से जो ये मूवमेंट आई फाइनली क्लोज हुई 191 पे। तो ये अभी ग्राफ केवल 12-13 रुपये तक आ रहा है लेकिन ये एक्चुअली 191 क्लोज हुआ। तो इसको अगर फॉलो करके आप यहाँ पर एक ट्रिगर लगाते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली यही, अगर जब ये ट्रिगर आपका जाता है तो आपको अलर्ट मिलेगा कि अब आपका बाई सिग्नल जनरेट हो गया और आप यहाँ पे इसको बाई कर सकते हैं एक अच्छे प्रॉफिट के लिए। लेकिन अभी आप ये देखिए कि अगर आपका ये सपोज़ नहीं है सिग्नल जनरेट होता है तो आपका, अगर आप उस केस में भी बाई करके रखे हुए हैं तो आपका थोड़ा लॉस होता है क्योंकि वो कॉल ऑप्शन एक्सपायर कर जाता है। तो इसलिए ये स्ट्रैटेजी कि आप थोड़ा करंट जो प्राइस 12 बजे के अराउंड चल रहा है उससे थोड़े ऊपर पे अगर आप एक अलर्ट लगाइए और जैसे वो अलर्ट ब्रीच हो आप उसको बाई कर लीजिए, इससे 99% प्रॉबिलिटी है कि आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और हैंडसम रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि लास्ट डे उसका एक्सपायरी का तो काफ़ी सस्ते ट्रेड करते हैं कॉल और पुट, और ये आपको
अप टू 100%, 50%, 20% तो बहुत ही आराम से देते हैं, और कई केसेस में तो जैसा आपकी मैंने आपको पिछले में दिखाया कि ऑलमोस्ट 10,000% का हाई पे रिटर्न दिया था। तो ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, आशा है आप इसको यूज़ करेंगे नेक्स्ट टाइम। और अगर आपको ऐसी और स्ट्रैटेजी जाननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप कोई क्वेश्चन है तब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।